चलते हैं ऊपर, क्योंकि कमरा साफ करके आऊंगी ऊपर का, उसके बाद यहाँ की सफाई करूंगी आज ना, और फिर वहां भी जाना है, अपने देवर के घर भी जाना है मेरे को। पानी नहीं आ रहा। हाँ जी, अब नहीं आ रहा पानी। आओ फिर, सब बंद कर रखे आपने? ठीक है, सारे बंद हो। हाँ भाई, क्या हुआ? गंदा हो रखा है कमरा। बोला चूहे के नाम पे कल, अरे चूहे शीशिए, ये चूहे नहीं तो गिनी पी गए। कूद जा, आओ आओ, दिक्कत आ रही है? कुछ लगा दो स्लाइडिंग के लिए इनके लिए। आओ भाई, तुम्हें नहीं बुलाया मैंने, ये आ गए। ये देखो कूड़ा है, ये कूड़ा कूड़ा है, एक को दिया वो कूद गया बड़े वाला, अब छोटे वाली रह गई है, वो कूदेगी। ये देखो, ये आ गई। मिस कर दिया मैंने। ये देखो कहाँ छुपे बैठे हैं, ये देखो दिख रहा है? ये देखो, अब आप ट्रे तो आप खुद ही साफ कर लो। हैं? गिरा दिए गमले। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जी, दोपहर होने वाली है और भाई मेरा झाड़ू पोछा रहता है, मुझे झाड़ू पोछा करना है, सोना को नहलाना है, बाकी नाश्ता वगैरह सब हो गया, मतलब बन गया, अभी खाया नहीं किसी ने। अभी खाएंगे तो फिर देखूंगी उसके बर्तन, या तो आके मांजूंगी, साफ करूंगी, या फिर साफ करके जाऊंगी, देखती हूँ कैसे होता है, क्योंकि मुझे फिर से नंदगिरी जाना है। और आप लोगों को आज बता देती हूँ कि बीवी को लग गई है चोट ना, और वो बिस्तर पर ही है, तो मेरा देवर करा के चला जाता है वैसे उनको ना, सुबह खाना वाना खिला देते हैं और उनके जो सुबह का रूटीन है वो भी करा के चला जाता है। अभी मैं जाऊँगी तो फिर दिन में रहूँगी उनके साथ ही, और दोपहर का खाना वगैरह, रात का खाना खिला करके फिर आऊँगी, क्योंकि यहाँ पर भी घर का अकेला नहीं छोड़ सकते, और कोई तो है नहीं रहने के लिए ना, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रखी है, इसी वजह से रोज रोज आना पड़ता है, फिर रोज रोज ही आना पड़ता है। और आज जाएगी नैना मेरे साथ, क्योंकि कल से तो उसकी क्लास है, स्कूल खुल जाएंगे उसके, तो उसकी ऑनलाइन क्लास लगेगी, तो वो घर पर ही रहेगी फिर। बस आज आज मैं उसको लेकर के जाऊंगी, और सोना भी सो रखी है, इसको उठा रही कि बेटा उठ जा, क्योंकि ये उठेगी तभी इसको नहलाऊंगी धुलाऊंगी, इसलिए देख के उठाती हूँ और झाड़ू पोछा करती हूँ। और गाँव से ना भी मेरा देवर आया, वो आलू लेके आए बहुत सारे, वहां पे शायद सस्ते मिलते हैं, इसलिए मैंने बोला था लेकर के आ जाइयो, यहाँ तो महंगे हो रखे थे आलू, तो वो कह रहा था कि नए आलू नहीं है पुराने हैं, देखेंगे बना करके, कुछ मैं यहाँ रखूंगी, कुछ नंदूरी ले जाऊंगी। तो चलिए अभी मैं झाड़ू पोछा करती हूँ और सोना को उठाने की कोशिश करती हूँ, ये उठ जाएगी ना, थोड़ा सा
इधर उधर घूमे घूमे की, क्योंकि उठते तो नहीं नहलाऊंगी, उठते नहलाऊंगी तो फिर से उसको तबीयत खराब हो जाएगी ना, जुकाम वैसे ही लगा हुआ है इसको, तो उठाती हूँ। तो गजेंद्र मैं इसमें से आलू वहां भी ले जाऊंगा ना नंदगिरी, इसमें से आधे आलू नंदगिरी लेके जाने हैं ना, मंगाए थे ना जो मैंने भी, है ना? ठीक है, फिर रात को तो हम तुझे मिलेंगे नहीं, तेरे कपड़े कैसे करेगा ये? हाँ तो कल ऐसा करूंगा, कल ले जाऊंगा ना। ठीक है, अब इसमें जो लेना है। हाँ हाँ ठीक है। लाने की बढ़िया रखी है, मोछा रखो। सोनू, ए सोनू खड़े हो जाओ, देखो मैंने कंबल भी रख दिया उठा के तह लगा करके, कि सोना जल्दी से खड़ी हो जाएगी। ये खड़ी हो गई है, फिर से सो गई। अरे फिर से नहीं सोना, फिर से नहीं सोना है बाबू, खड़े होना, खड़े हो जाओ, खड़ा कर बच्चा, जल्दी खड़ी हो, चल। हाँ गुड गर्ल है, तो हिमांशी घर चलेगी ना, जाना ना हिमांशी के घर। क्लास नहीं लेनी? ओके, पढ़ने का भी है सबको, और पढ़े कौन है ना, और एक क्लास लेने का टाइम भी नहीं बेटा, क्लास तो कब की खत्म हो चुकी होती, अभी तो छुट्टियां पड़ रखी हैं वैसे भी। चल खड़ी हो जा बेटा, चल थोड़ी देर ऊपर घूम के आ पापा के पास जा। हाँ थोड़ा सा शरीर वैसा हो जाएगा ना, थोड़ी धूप में जा और फिर नीचे आ, फिर आके मैं नहलाती हूँ फटाफट से, ठीक है? फिर जाएंगे अम्मा के पास चलेंगे ना, हाँ अम्मा को देखने। हाँ बेटा क्या करे, करना पड़ता है, चलो आओ। आपकी नहीं करती, आपकी भी तो करती हूँ ना। हाँ तो जब आप छोटे थे आप भी बिस्तर पे करते थे, अब अम्मा छोटी हो गई है, जाओ। अम्मा जब कहाँ करती थी, तूने देखा नहीं अम्मा को करते हुए? अम्मा थोड़ा ना करती थी, देख सारे बाल इलज रखे हैं। चल ठीक है, तू जा, मैं यहाँ का झाड़ू पोछा करती हूँ तब तक, और फिर ना थोड़ी देर में नीचे आ जाइयो, ठीक है बेटा? हाँ डायपर उतार देती हूँ। और ये देखिए, एक मुझे ये बेडशीट मिली थी इसके साथ, ये बेडशीट है और ये दो तकिए कवर है इसके साथ, तो ये भी मेरी एक फ्रेंड ने उसने दी है, और ये एक स्वेटर है जो इनको दिया है मेरी फ्रेंड ने, जिसने केक लगाया था ना मुँह पे, ये उसने दिया है। और मैं आपको दिखाना भूल गई थी पहले ना, मतलब उस दिन ये पहन कर गए हुए थे तो मैं उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, और इस वाली ये क्लिप पता नहीं मेरे से कहाँ मिस हो गई, जब मैं आपको दिखा रही थी कि मुझे एनिवर्सरी पर ये वाले गिफ्ट मिले हैं, तो इसलिए मैं आज वाली वीडियो में इन्हें ऐड कर रही हूँ। और उसने मुझे दी है ये वाली साड़ी, और ये साड़ी देखने में बहुत ही सुंदर है, देखती हूँ जब पहनती हूँ तो मुझ पर कैसी लगती है। और ये कंबल है जो कि मुझे मेरी भाभी ने दिया है, और ये तो मेरे पास खैर बाद में ही आया है, तो ये मैंने सोचा जब ये दिखा रही हूँ चलो इसको मैं आपको दिखा देती हूँ, कि वाला डबल बेड का कंबल मुझे मेरी बड़ी भाभी ने दिया है। तो जी बस घर का भी सारा काम हो गया है, जितने भी काम थे सब निपटा दिए हैं मैंने, और अब हम जा रहे हैं बीवी के पास, तो अब पूरा दिन वहीं पे रहेंगे, वहाँ से रात को लौटेंगे, तो चलिए। काम करो अपने अपना स्कूल का, हम गाइस हम तो बच्चे हैं, आप काम करो तो अच्छे खुद का बच्चा काम करते हैं। चलो स्कूल का लेसन गरम पिएगी, गरम ही है, देख ज्यादा गरम तो नहीं लग रहा तुझे? बिल्ली को कहा तो पी लो फिर, पियो छोड़ दो। चलो रोशनी हो गई पर्याप्त, और नहीं पीना पानी, लिखो नाइन, लिखो नाइन,
दिल्ली आता ल किस वाली लाइन में लिखती ना ये यहाँ पे लिखा उत्तर लिखा इसके सामने लिखना था ला मैं रफ करूंगी देखो दूसरी वाली कहाँ है इसके सामने हाँ देखा इस वाली लाइन में लिखना है इसमें ये देखो लिखा ना हाँ यहाँ पे नहीं इस वाले में नहीं इस वाले ब्लॉक में करो ले इस वाले ब्लॉक इस वाले करो हाँ नहीं यहाँ नहीं पहले इसमें लिखो बेटा करो लिखो नाइन चलो करो हाँ ये देखो बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं हाँ नैनू गंदी है बच्चे हिरस में खाते नहीं बच्चे हिरस में पढ़ते भी हैं मुझे आज पता लगा देख करके नहीं नेक्स्ट ब्लॉक हाँ और देखो बच्चे ना ये दोनों एक दूसरे की होड़ में पढ़ रही हैं है ना क्योंकि उसको अपना काम करना है ट्यूशन का ना हिमांशी को तो और सोना के अभी बुक रख के लाई थी क्योंकि हिमांशी पढ़ती है ना फिर सोना ऐसे घूमती रहती है ना तो मैं जैसे काम भी हो जाएगा इस बहाने से चलो करो तो दोनों बच्चे ना ऐसे एक दूसरे की हिरस में पढ़ रहे हैं टूट गया आपका आपने निकाल दिया होगा मुंह से खींच खींच के मुंह के अंदर चला जाएगा और गंदी बात मैम ने मना कराया पेंसिल मुंह में नहीं लेते हैं चलो लिखो चलो मेरा काम हो गया हाँ हाँ तो मैंने लिख दिया क्या रब कर दो नेक्स्ट हप्पू हाँ क्या हुआ सो क्यों उठाए हैं भूखी आई है अरे हाँ हो नहीं भौंकते नहीं है बच्चे हाँ दिन में आने में हमने देर कर दी ओ हो हैप्पी की आवाज हैप्पी की आवाज हैप्पी की आवाज है चलो अभी घुमा के लाएंगे है ना पहले खाना खाएगा ना पहले खाना खाएगा हाँ हाँ ओहो ये देखो मांगने की हद होती है ना पर हमारी सोना के लिए कोई नहीं है उसके पापा कुत्ता घुमाने गए तो सोना गुब्बारे मांग ले किसी के घर के अंदर घुस के मतलब उन्होंने ऐसे पेड़ सजा रखा था सोना खुद बताएगी अपनी स्टोरी बताइए सोना तूने क्या करा थैंक यू बोल के आ गई उनको अच्छा। उनसे बोलती है कि मुझे अपना घर दिखाओ है ना हाँ। जंगल में बजा दिया हाँ तो उन्होंने अपना घर दिखाया था बोलती गुब्बारे भी दे दो सुनो तुमने क्या कहा था आंटी को तुम मुझे अपना घर दिखाओ ये गलत बात होती है ऐसे किसी घर से कोई चीज मांग के नहीं लाते बच्चे बहुत गंदी बात है ये तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं तो जो भी मेरे चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए तो जी कल मिलेंगे आपसे एक नए दिन और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय अपना ध्यान रखिएगा